अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? खैरियत से? लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इंशाल्लाह एक डेढ़ घंटे का लेक्चर रखेंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि पूरे एनबीएफसी से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उन सबको हम समराइज़ कर दें। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों फ़ौरन से। कंपनीज एक्ट 2017 में एनबीएफसी का जिक्र नहीं है। उसने कहा है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस को मैं रिपीट कर देता हूं, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 282A से लेके 282N तक, जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में डिफाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसी। तो एनबीएफसी को देखने के लिए सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि हमें जाना पड़ेगा कंपनीज ऑर्डिनेंस में। जब हम कंपनीज ऑर्डिनेंस में जाते हैं तो कंपनीज ऑर्डिनेंस में कुछ लिमिटेड सेक्शन है हमारे पास। टेक्निकली सेक्शन 282 है और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ABCDN तक है। उन सेक्शंस को हम देखते हैं तो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन जब इन सेक्शंस को हम देखेंगे तो हमें एक चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि हाँ यार, सिर्फ कंपनीज ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलेगा, रूल्स और रेगुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला वो कहता है कि जी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का जो सेक्शन 282 है, ये अप्लाई किसके ऊपर होगा? ये अप्लाई होगा इन बिजनेसेस के ऊपर। कौन कौन से बिजनेसेस के ऊपर? इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस के ऊपर, लीजिंग के ऊपर, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस के ऊपर, डिस्काउंटिंग सर्विस के ऊपर, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, एसेट मैनेजमेंट सर्विस, या एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि फेडरल गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिएगा। हम ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं नॉन बैंकिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग ये जितने भी काम है, ये टेक्निकली ये सारे काम आपके आपका बैंक कर रहा होता है, सही है? लेकिन जब एक बैंक काम कर रहा होगा तो बैंक को इस काम करने के लिए ठीक ठाक इक्विटी भी चाहिए होगी, और बैंक के लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस की भी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा, और स्टेट बैंक की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स है। तो जी, अब करें किस तरीके से? अगर किसी एक बंदे ने सिर्फ लीजिंग का काम करना है, लेट्स से सऊदी पाक लीजिंग कंपनी, उसका काम ही सिर्फ लीजिंग पे देना है, गाड़ियां वगैरह या हाउस वगैरह लीजिंग पे देना है, उसका काम ही इतना लिमिटेड है, तो वो क्यों पूरा बैंक खोले? इस चीज़ को एंटरटेन करने के लिए आपके फेडरल गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया कि यार, अगर आपका बिजनेस बैंकिंग बिजनेस ही है, लेकिन कंप्लीट बैंकिंग बिजनेस है, उसके कुछ सेगमेंट्स का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक एनबीएफसी बना के ये बिजनेस कर सकते हैं। अगेन मैं आपसे रिपीट करती हूँ, जितने काम है मैक्सिमम या मेजोरिटी सारे काम ये बैंक कर रहा होता है, एनबीएफसी ये सारे काम नहीं कर सकता। एनबीएफसी इनमें से कुछ लिमिटेड काम कर सकता है, जिसको थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है जी? अच्छा जी, अब ये एनबीएफसी बन चुकी है और ये बड़ा फर्क है, समझने की कोशिश करेगा। अगर एक बैंक है तो उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटर होगा, एनबीएफसी है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटर नहीं होगा, उसके ऊपर एससीसीपी रेगुलेटर होगा। अच्छा जी, हमारे पास ये जो है, अगर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को बिजनेस करना है और मैं उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं उसको फाइनेंस कर रहा हूं, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस कर रहा हूं, या उसको लीजिंग कोई घर वगैरह चाहिए, या उसको हाउसिंग फाइनेंस सर्विस, या उसको कोई गाड़ी वगैरह चाहिए और मैं उसके लिए उसको लीज प्रोवाइड कर रहा हूं, या मैं उसको डिस्काउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्काउंटिंग सर्विस का मतलब कि जी, आपका एक रिसीवेबल 6 महीने बाद है 100 रुपए का, आज आप मुझसे 90 रुपए ले लें और अपने इस रिसीवेबल के ऊपर राइट मुझे ट्रांसफर कर दें, कल मैं जाके उस बंदे से 100 रुपए डायरेक्टली रिकवर कर लूंगा। ये जो हमारे पास एनबीएफसी कहलाएंगी प्यारे बच्चों, ये लैंडिंग एनबीएफसी कहलाएंगी। लैंडिंग एनबीएफसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आगे जाके हम देखेंगे लैंडिंग एनबीएफसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी ज्यादा है, क्योंकि आप पैसा लैंड कर रहे हैं, आगे जाके तो पता नहीं आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साइमल्टेनियसली हमारे पास जो बाकी बचे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस और एसेट मैनेजमेंट सर्विस, ये हमारे पास कहलाते हैं फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी। इसमें आप आगे पैसा लैंड नहीं कर रहे होते, किसी को उधार नहीं दे रहे होते, बल्कि लोग आपके पास पैसा रखवा रहे होते हैं और आप उनको आगे जाके मनी मार्केट में, इक्विटी में, बहुत से वेन्यूज में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, और उससे जो पैसा आप अर्न करते हैं वो आप यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनका हम नॉर्मली ऑडिट भी कर रहे होते हैं। तो एनबीएफसी यहाँ आके हमें पता चल गया दो किस्म की, एक फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी और एक लैंडिंग एनबीएफसी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर में जाके देखेंगे, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है? अगर आपके एनबीएफसी के पास पब्लिक से पैसे लेने का राइट नहीं है, ये कंपनीज एक्ट भी आपको मना करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिपॉजिट, ये आपको कंपनीज एक्ट भी मना करता है। एनबीएफसी भी चूंकि कंपनी होती है, वो भी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती, अनलेस उन्होंने उसकी परमिशन ले ली है, तब जाके वो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट। डिपॉजिट का ये मतलब नहीं कि मैं बैंक से लोन नहीं ले सकता, मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ। डिपॉजिट का ये मतलब नहीं है कि शेयर होल्डर मजीद सबॉर्डिनेटेड लोन दे दें, मैं ये भी कर सकता हूँ, प्रोमोटर्स लोन दे दें, मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह बैंक में आप एक पैसा डिपॉजिट रखवाते हैं, आप ये काम एज एन एनबीएफसी नहीं कर सकते, अनलेस आपके पास परमिशन हो। अच्छा जी, अप्लाई होगा इसके ऊपर। अच्छा, अब जब एनबीएफसी आ गया तो अब जाहिर सी बात है, इनको इनको ओवरसाइट कौन करेगा, इनके ऊपर रेगुलेशंस किन की होंगी? यहाँ पे हमारे पास 282B आया और 282B ने कहा कि जी देखें, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी अगर एनबीएफसी से रिलेटेड रूल्स बनाने,
एनबीएफसी से रिलेटेड रूल्स बनाने, तो वो रूल्स बनाने का राइट फेडरल गवर्नमेंट के पास है, और अगर एससीसीबी के पास क्या राइट है, और अगर रेगुलेशंस बनानी है तो रेगुलेशंस बनाने का राइट किस चीज के पास है, रेगुलेशन बनाने का राइट एससीसीबी कमिश्नर के पास है, सही है। और कमीशन के पास, एससीसीबी के पास ये भी राइट है कि वो सर्कुलर्स भी इशू कर सकता है, वो डायरेक्शंस भी दे सकता है, वो नोटिसेस भी दे सकता है, ये सारे राइट भी एससीसीबी ने अपने पास रखे हुए हैं। ये वो सेक्शन है 282B जिसकी वजह से हमारे पास आगे कोर्स में एनबीएफसी रूल्स भी आ गए और हमारे पास आगे कोर्स में एनबीएफसी रेगुलेशन भी आ गई। और ये क्यों आई है, एक सेक्शन 282B से लिंक्ड है और आगे जाके हमें पता चलेगा कि वहां पे बताया क्या क्या। अच्छा जी, इसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस ने कहा, कंपनीज ऑर्डिनेंस 94 ने कहा कि ठीक है यार, ये बिजनेसेस हैं, अगर ये बिजनेस करना है तो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं बना सकते, कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं बना सकते, बनानी क्या पड़ेगी, एनबीएफसी बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से जब अगर आपने बैंक का बिजनेस करना है तो आपने एक बैंक बनाना पड़ेगा, इन बिजनेसेस को करने के लिए आपने एक कंपनी बनानी पड़ेगी, वो कंपनी क्या कहलाएगी, वो कंपनी एनबीएफसी कहलाएगी। यहाँ पे 282C में इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनबीएफसी से रिलेटेड बातें की गई हैं कि जी आपको एक एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। जब एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त बात है, देखें एससीसीपी की अप्रूवल जरूरी है फॉर इनकॉर्पोरेशन, एससीसीपी की अप्रूवल लिए बगैर आप एनबीएफसी को इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं सकते, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप बिजनेस कैरी नहीं कर सकते अनलेस आपके पास लाइसेंस हो। देखें, मैंने अगर एक एनबीएफसी बना ली और फॉर एग्जाम्पल मैं लीजिंग का बिजनेस करना चाहता हूं, तो इस लीजिंग का बिजनेस करने के लिए मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये लाइसेंस भी किससे लेना पड़ेगा, एससीसीपी से लेना पड़ेगा, तो मैं कैरी बिजनेस नहीं कर सकता अनलेस मेरे पास लाइसेंस हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं बिजनेस कमेंस ही नहीं कर सकता और कैरी नहीं कर सकता अनलेस मेरे पास मिनिमम इक्विटी हो। ये जो दो वर्ड लिखे हुए कमेंस और कैरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मिनिमम इक्विटी लेट से 100 मिलियन है, अगर आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाते हैं तो लेट से उसके लिए मिनिमम इक्विटी 100 मिलियन है। अगर मैंने 100 मिलियन की एक एएमसी बना ली और मैंने लाइसेंस ले लिया फॉर एग्जांपल कि मैं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बनाऊंगा, मैं म्यूचुअल फंड्स बनाऊंगा, कल को अगर मेरे पास, तो मैं कमेंस तो कर सकता हूं, लेकिन कल को अगर मेरी मिनिमम इक्विटी 100 से कम हो गई तो अब मैं बिजनेस कैरी नहीं कर सकता। एससीसीबी के पास राइट है कि वो मेरे लाइसेंस को टर्मिनेट कर सकता है। कैसे टर्मिनेट करेगा, यहां पे तो नहीं लिखा हुआ, आगे जाकर रूल्स एंड रेगुलेशन में ये डिफाइंड होगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब है यहां पे दो चीजें एससीसीबी ने अपने पास रखी, एक तरफ एनबीएफसी बना लो और एनबीएफसी बना के जो काम करना है उसका लाइसेंस मेरे पास ले लो। एनबीएफसी बनेगी कैसे, लाइसेंस कैसे मिलेगा, ये कंपनीज ऑर्डिनेंस पर डिफाइंड नहीं है, इसके लिए हम इंशाल्लाह एनबीएफसी रूल्स में थोड़ी देर में आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे एससीसीपी ने अपने पास कुछ राइट रखे। क्या राइट रखे, उसने कहा ठीक है यार, मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन सब बना ली, कंपनीज ऑर्डिनेंस पूरा बता दिया आपको, लेकिन मेरे पास राइट है, एससीसीपी के पास राइट है कि वो डायरेक्शन इशू कर सकता है। किन ग्राउंड्स में डायरेक्शन इशू कर सकता है, इन ग्राउंड्स में डायरेक्शन इशू कर सकता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, या फिर टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ द डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। अगर ऐसा कोई काम कर रही है एएमसी या एनबीएफसी जिसके से आपको लगता है कि शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है, या स्मूथली उसके फंक्शंस को चलाना है, तो इस बेसिस पे एससीसीबी के पास, इन तीन बेसिस पे एससीसीबी के पास राइट है कि वो डायरेक्शंस को इशू कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैं कल को एक एनबीएफसी बनाता हूँ और मैं एक ऐसा काम करता हूं और मैं कहता हूं, कानून में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी मुझे ये काम करने से मना है, कहीं पे भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, या मैं ये लैंडिंग नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है यार फिर तो एससीसीबी के हाथ बन गए। इस चीज को काउंटर करने के लिए एससीसीबी ने क्या करा, एससीसीबी ने मेरे पास राइट है, अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, या टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एनबीएफसी, मैं कंपनी को या एनबीएफसी को डायरेक्शंस इशू कर सकता हूं। सिर्फ डायरेक्शंस इशू नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूं, मैं रिमूव भी कर सकता हूं। मैं किन किन को रिमूव कर सकता हूं, मैं चेयरमैन को रिमूव कर सकता हूं, मैं डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता हूं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव को, मैं किसी भी ऑफिसर्स को प्यारे बच्चों रिमूव कर सकता हूं। किन ग्राउंड्स में, एग्जैक्टली सेम ग्राउंड्स में, इन्हीं ग्राउंड्स में मैं इनको रिमूव कर सकता हूं कि अगर मुझे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट, सिक्योर मैनेजमेंट और प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इन्हीं बेसिस पर मैं इनको रिमूव कर सकता हूं। ना सिर्फ इस बंदों को बल्कि मैं पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर सकता हूं। एससीसीबी ने अपने पास ये भी राइट रखा कि मैं पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम जो सुपरसेंशन होगी वो 3 साल तक होगी, 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। सर बोर्ड ही नहीं होगा तो ओवरसाइट कैसे होगा, कंपनी कैसे चलेगी? नहीं, आप परेशान नहीं हो, एससीसीबी टाइम टू टाइम बंदे अपॉइंट करेगी और वो बंदे कंपनी के ऑपरेशंस को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये ओवरसाइट कर रहे होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम आगे जाके देखेंगे
तो वहाँ पे लिखा होगा कि ICICP से आपने ये भी अप्रूवल लेनी है, ICICP को आपने ये इन्फॉर्मेशन जमा करानी है, लेकिन ICICP कल को चाहे तो आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है, मजीद इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है, और अगर चाहे तो NBFC के ऊपर एक स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है। एक ऑडिटर ICICP अपॉइंट करेगा और NBFC के ऊपर एक स्पेशल ऑडिट परफॉर्म कराएगा। सिर्फ स्पेशल ऑडिट नहीं, देखें यहाँ पे जो स्पेशल ऑडिट का सेक्शन है ये NBFC के ऊपर है, सही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी बंदे के खिलाफ अगर ICICP चाहे तो इंक्वायरी भी बिठा सकता है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो ऑफिसर हो, इट कुड बी एनी पर्सन, उसके खिलाफ इंक्वायरीज भी बिठा सकता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है, और अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा प्रिसाइज करूँ, अप्लाई होगा इनके ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये राइट्स हैं, ICICP के पास ये राइट है, NBFC पहले इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा, ये सारे काम कर लेंगे, फिर हमारे पास पावर के सेक्शन है, मेरे पास पावर है कि मैं डायरेक्शन इशू कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं बंदा रिमूव कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं बोर्ड को सुपरसीड कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं स्पेशल ऑडिट करवा सकता हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता हूँ, मेरे पास पावर है कि मैं आपके किसी भी बंदे के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी बिठा सकता हूँ। यहाँ पे आके चीज़ें ख़त्म हो गई। इन सारे सेक्शंस में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि फेडरल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो रूल्स बनाएगा, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों अगली चीज़ हमारे सिलेबस में आ गई, NBFC रूल्स, सही है, NBFC रूल्स हमारे सिलेबस में आ गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ICICP के पास राइट है कि वो क्या बनाएगा, कमिश्नर के पास राइट है कि वो क्या बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा। तो अगली चीज़ हमारे पास आ गई, रूल्स और रेगुलेशंस, दोनों में फ़र्क क्या है थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, लेकिन इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे कंपनीज ऑर्डिनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जी आपको NBFC इनकॉर्पोरेट करनी है और आपको लाइसेंस लेना है। इसका तरीक़ेकार क्या होगा, इसका तरीक़ेकार कंपनीज ऑर्डिनेंस में डिफाइंड नहीं है, इसका तरीक़ेकार NBFC रूल्स में डिफाइंड है। तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे फुल स्टॉप लग के ये जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है वो NBFC रूल्स में कंटिन्यू हो रही है। कैसे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस चीज़ का, कि NBFC मे बी एस्टेब्लिश्ड, ये सुनिएगा, NBFC मे बी एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे बात किस चीज़ की थी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ NBFC की, तो मतलब NBFC रूल्स में बताया गया कि NBFC आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर उसके प्रोमोटर, प्रपोज डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया से कंप्लाई करें, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया इंटेग्रिटी है, कॉम्पिटेंसी है, एक्सपीरियंस है, अगर वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया से कंप्लाई कर रहे हैं जो कि रूल्स में डिफाइंड नहीं है, जो कि NBFC रेगुलेशन में डिफाइंड है, तो मैं उसको NBFC इनकॉर्पोरेट, तो वो बंदा एलिजिबल है कि वो बंदा आके NBFC बना सकता है। ये वो रूल है जहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जी आप ये चेक कर लें कि क्या आपकी हैसियत या औकात है कि आप एक NBFC बना सकते हैं। क्या मतलब सर हैसियत और औकात का? क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं? सर क्या है एलिजिबल क्राइटेरिया? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। अच्छा हाँ सर, मेरा आंसर यस आया, हाँ जी मैं बिल्कुल एलिजिबल हूँ, मैं फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया से कंप्लाई कर रहा हूँ, इंटेग्रिटी का कोई मसला नहीं है, कभी जेल नहीं हुई, कभी नैब में नहीं गया, कभी प्ली बार्गेन नहीं ली, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी भी है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी है। ठीक है जी, तो एक अदद वो बंदा एक अदद एप्लीकेशन दायर करेगा। किसको एप्लीकेशन दायर करेगा? कमिश्नर को एप्लीकेशन दायर करेगा, और कमीशन को एप्लीकेशन जब दायर करेगा, और अगर अब कमीशन क्या देखेगा, ICICP यही देखेगा क्या बंदा फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया से कंप्लाई कर रहा है। इफ द आंसर इज यस, तो कमीशन एक ऑर्डर देगा कि हाँ जी आप अब NBFC बना सकते हैं, आप 6 महीने के अंदर NBFC बना सकते हैं। सर टाइम पीरियड कितना होगा? ऑर्डर के 6 महीने के अंदर आपको एक NBFC एस्टेब्लिश करनी होगी। वंस यू एस्टेब्लिश द NBFC, अच्छा अगर मैं 6 महीने में नहीं कर सकता तो ठीक है कोई बात नहीं, आप मजीद तीन महीने की एक्सटेंशन अगर ICICP चाहे तो आपको दे सकता है, लेकिन उसके लिए 6 महीने खत्म होने से पहले आपने एक मजीद एक्सटेंशन की दरख्वास्त दायर करनी होगी। ये जब एप्लीकेशन आप दायर करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आपको परमिशन मिल चुकी है NBFC बनाने की। इसका अगला स्टेप क्या होगा? इसका अगला स्टेप ये होगा कि आप एक NBFC बना लेंगे, सही है, आप एक NBFC बना लेंगे, इट मींस NBFC इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और ICICP की अप्रूवल है, क्योंकि ICICP का ऑर्डर है। बच्चों अगला काम क्या होगा? अगेन ये वाली बात तो रह गई कि जब मैं उस वक्त तक बिजनेस नहीं कर सकता जब तक मैं कंपनी बना के क्या करूं, मैं पब्लिक से तो पैसा मांग ही नहीं सकता, मैं तो पब्लिक को हाउसिंग लोन दे ही नहीं सकता, मैं तो लीजिंग सर्विस दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? मैं इसलिए नहीं दे सकता प्यारे बच्चों बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं है करने का। तो अगली चीज क्या होगी? अगली चीज होगी कंडीशंस फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस। ये जो रूल 5 है बेसिकली ये इस चीज़ से हमारे पास कनेक्ट है कि मुझे लाइसेंस लेना है, तो लाइसेंस लेने के लिए कंडीशंस क्या होंगी।
कंडीशंस को मैंने तीन बॉक्सेस में तोड़ दिया है और बड़ी लॉजिकल बॉक्सेस हैं ये। सबसे पहला बॉक्स ये कहता है कि यार ये पढ़ लो, ये रूल्स पढ़ लो और ये देख लो कि तुम्हें लाइसेंस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या लाइसेंस की तुम्हें ज़रूरत है भी या नहीं। ये बॉक्स इस चीज़ को अलामत है। ये बॉक्स कहता है कि लाइसेंस देने के लिए इन इन कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा। और जो आखिरी बॉक्स है वो ये कहता है कि जी अगर तो आपको लाइसेंस मिल गया तो आपने इन इन रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लाइसेंस के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। क्यों सेपरेट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, दो मिनट में आपको समझाता हूँ। इस एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। ये जो एप्लीकेशन आपने दी थी ये NBFC इनकॉर्पोरेट करने के लिए दी थी, ये जो आपने एप्लीकेशन दी थी NBFC इनकॉर्पोरेट करने के लिए दी थी। अब जो आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं वो किस चीज़ के लिए देने जा रहे हैं, वो लाइसेंस के लिए देने जा रहे हैं। अच्छा, फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी नॉट एलिजिबल फॉर लैंडिंग NBFC बिजनेस एंड वाइस वर्सा। ये समझेगा, अगर आपने एक NBFC बनाई है तो पहला सवाल ये होता है कि आपने NBFC कौन सी बनाई है। सर आपने फंड मैनेजमेंट NBFC बनाई। फंड मैनेजमेंट NBFC का मतलब कि आप ये दो काम कर सकते हैं। कौन से दो काम कर सकते हैं? आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कर सकते हैं, आप एसेट मैनेजमेंट सर्विस कर सकते हैं। दो तीन और भी हैं, रेट वगैरह भी है, पेंशन वगैरह भी है, लेकिन वो हमारे ऊपर उसके ऊपर एक सेपरेट रेगुलेशन है। अच्छा सर, अगर लैंडिंग NBFC है तो लैंडिंग NBFC तो ये वाला काम कर सकती है, तो इसका मतलब है अगर NBFC फंड मैनेजमेंट बनाई है तो यार कॉमन सेंस बनता है यार कि लाइसेंस लेने के लिए आप लैंडिंग NBFC के लाइसेंस नहीं ले सकते। समझ आती है बात? अगर आपने बनाई फंड मैनेजमेंट NBFC और लाइसेंस लेने के लिए आप लैंडिंग NBFC जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, और वाइस वर्सा। इसी तरीके से अगर लैंडिंग NBFC में आपके पास इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस का लाइसेंस है, NBFC बना चुके हो, लाइसेंस ले चुके हो, तो ये लाइसेंस के लिए, अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आपको लीजिंग हाउसिंग और डिस्काउंटिंग के लिए अलग से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइसेंस से आपके ये तीनों काम आप कर सकते हैं, बिकॉज तीनों की नेचर एक ही किस्म की है। यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टेक्निकली यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, इसी तरीके से ये उसने कहा कि यार ये सेक्शंस देख लो। जहां मैंने ये सेक्शन देखे और मैंने कहा यार मैं तो लैंडिंग एनबीएफसी हूं, तो मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने लैंडिंग NBFC बनाई है तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस वाला काम तो कर ही नहीं सकता। अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस वाला काम नहीं कर सकता या एसेट मैनेजमेंट सर्विस वाला काम नहीं कर सकता तो बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। मैं मजीद लाइसेंस सिक्योर कर ही नहीं सकूंगा, मैं लाइसेंस मांगने जा ही नहीं सकता, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं। हाँ, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फंड मैनेजमेंट NBFC बनाई है और मुझे लाइसेंस किस चीज का चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस का चाहिए या एसेट मैनेजमेंट सर्विस का लाइसेंस चाहिए, इस केस में प्यारे बच्चों अब ये वाला बॉक्स अप्लाई हो जाएगा। और यहां पे कंडीशंस क्या होंगी, यहां पे कंडीशंस ये होंगी कि कंपनी किसी ग्रुप कंपनी का पार्ट नहीं होगी, कंपनी नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप कंपनी ऑलरेडी होल्डिंग अ लाइसेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ग्रुप का पार्ट है, एक ग्रुप ने ऑलरेडी हाउसिंग का लाइसेंस लिया हुआ है आपने, और उसी ग्रुप के कोई और पार्ट ऑलरेडी होल्डिंग का लाइसेंस लेता है। यहाँ पे जो ग्रुप कंपनी को डिफाइंड किया है कंपनीज NBFC रूल्स ने, वो इस तरीके से डिफाइंड किया कि इसके अंदर होल्डिंग कंपनी भी आ जाएगी, इसके अंदर आपकी सब्सिडी कंपनी भी आ जाएगी, सब्सिडी में वो जो जिस पर आपका कंट्रोल हो, और इसके अंदर एसोसिएट भी आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी पर्सन का 10% भी होल्डिंग है या 10% भी इंटरेस्ट है, वो भी ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर मैं JS की बात करूं, तो अगर एक JS पूरा ग्रुप है, अगर JS के किसी ग्रुप के पास फॉर एग्जांपल एसेट मैनेजमेंट सर्विस का लाइसेंस है, तो JS के ग्रुप में कोई और NBFC या कोई और कंपनी एसेट मैनेजमेंट सर्विस का बिजनेस नहीं कर सकती, वो लाइसेंस नहीं कर सकती, आप एक ही लाइसेंस से ऑपरेट कर रहे होंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जी आप ग्रुप, ऐसे ग्रुप का पार्ट नहीं हो जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस हो। अच्छा जी, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। कुछ मिनिमम इक्विटीज होगी, उससे आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। वो मिनिमम इक्विटी क्या है, वो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। जितना बड़ा और रिस्की बिजनेस होगा उतने ज्यादा आपको इक्विटी इंजेक्ट करनी पड़ेगी। ये जो आप इक्विटी इंजेक्ट करेंगे, एटलीस्ट 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, एटलीस्ट 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्रोमोटर के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि आपने NBFC बनाई, यहां लोगों से पैसा लेना स्टार्ट किया, आपका अपना ही पैसा नहीं लगा हुआ, कल को आपने का बिजनेस खत्म हो रहा है, आप अपना पैसा लेकर चले गए। नहीं, 25% पैसा आपका हमेशा लगा रहेगा, और वो पैसा CDC में होगा। शेयर जो होंगे वो CDC में होंगे, और वो ब्लॉक शेयर होंगे। ब्लॉक शेयर का मतलब है वो शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, वो शेयर सेल नहीं हो सकते।
सर क्या मैं जिंदगी भर ही इनको नहीं बेच सकता? नहीं, आप चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? SECP की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सर जो प्रोमोटर होते हैं वो नॉर्मली डायरेक्टर भी होते हैं और डायरेक्टर के पास क्वालिफाइंग शेयर्स होते हैं। यहाँ पे उसने एक एक्सेप्शन आपको दी हुई है कि क्वालिफाइंग शेयर्स अगर 2% तक है सारे डायरेक्टर्स को, एक डायरेक्टर नहीं सारे डायरेक्टर्स के पास अगर क्वालिफाइंग शेयर्स 2% तक है तो उनको CDC में जमा कराने की जरूरत नहीं है, वो अपने एक नॉर्मल अकाउंट में भी उसको जमा करा सकते हैं। लेकिन प्रोमोटर 25% पेड अप कैपिटल प्रोमोटर के पास होना चाहिए, CDC में ब्लॉक्ड होना चाहिए, वो शेयर ट्रांसफर या सेलेबल नहीं हो सकते विदाउट द प्रायर अप्रूवल। तीसरी चीज सर, इनके अफेयर्स को कौन मैनेज करेगा, इस पूरी कंपनी को या NBFC को कौन मैनेज करेगा? इसके लिए आपने CEO को अपॉइंट करना है और वो CEO देखें फुल टाइम होता है बंदा, CEO हमेशा फुल टाइम होता है। CEO शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन एनी अदर कंपनी, NBFC की बात नहीं कर रहा, किसी और कंपनी में CEO होल्ड नहीं कर सकता ऑफिस का, यहां तक बात समझ आती है? तो आपकी एक और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, CEO नहीं हो सकता। इसके बाद आप ऐसा नहीं है, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करा रहे होंगे, जो कि कंपनीज एक्ट में पूरा प्रोसीजर है। जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करा रहे होंगे तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर चेंजिंग दी ऑथराइज कैपिटल, वो भी प्रायर अप्रूवल ऑफ SECP। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप चेंज नहीं कर सकते, आप NBFC के रूल्स एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह आप हायर करेंगे वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एसेट मैनेजमेंट सर्विस है, इसके 8 म्यूचुअल फंड्स हैं। अब अगर इसके 8 म्यूचुअल फंड्स हैं तो इन 8 म्यूचुअल फंड्स का एक सेपरेट हेड होना चाहिए, एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि सेपरेट म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस को कैरी करे। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में है, NBFC में है, जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो एटलीस्ट 4 चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकते, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होगा, लेकिन हर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम या म्यूचुअल फंड का एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप हमेशा वही बिजनेस कर सकते हैं जिसका आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस एक्टिविटी के अलावा आप कोई और बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है लीजिंग का तो प्यारे बच्चों आप डिस्काउंटिंग सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि आपको इन कंडीशंस के बेसिस पे ही लाइसेंस मिलेगा। और कंडीशन बड़ी सिंपल है यार, कि 25% शेयर्स आपके मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, 25% शेयर्स आपका किसके पास होना चाहिए, 25% शेयर्स आपका प्रोमोटर के पास होना चाहिए, वो सेल ट्रांसफरेबल वगैरह नहीं हो सकते। तीसरा जो बॉक्स है ये पोस्ट लाइसेंस है। पोस्ट लाइसेंस का मतलब once you obtained, अगर आपको लाइसेंस मिल चुका है तो ये लाइसेंस की वैलिडिटी कब होगी? ये लाइसेंस की वैलिडिटी होगी 3 साल तक और ये रिन्यू हो सकता है मजीद 3 साल के लिए, किसी कितने भी टाइम के लिए, लेकिन एक्सपायरी होने से 1 महीने पहले अगेन आपने एप्लीकेशन दायर करनी होगी SECP को कि मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दे, मेरा लाइसेंस एक्सपायर्ड होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ आपको, अगर आपने बिजनेस कमेंस नहीं करा, आपको लाइसेंस मिल चुका है और इस स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान अगर आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया तो आपका लाइसेंस कैंसल्ड हो सकता है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, अगर मुझे यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है फिर हमारे पास Rule 7 आ जाता है। अब इसका मतलब है, अब जब लाइसेंस ही मिल चुका है तो अब मैं बिजनेस करना स्टार्ट कर चुका हूँ, अब जब मैं बिजनेस करूंगा तो यहाँ पे Rule 7 अप्लाई होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो बॉक्स है इसके बगैर आपको, इन कंप्लायंस के बगैर आपको लाइसेंस मिलेगा नहीं। लाइसेंस मिल गया, SECP आपकी जान नहीं छोड़ रहा, SECP अभी भी आपसे कह रहा है कि ये कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। थोड़ी सी कॉमन सेंस है, इसके ऊपर क्या बातें लिखी होंगी, इसके ऊपर वो बातें लिखी होंगी जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, हाँ जी स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने कितने साल तक के लिए बनाने, कितने साल तक रिटेन करना है, 10 साल तक आपने बुक्स ऑफ अकाउंट अपने रिटेन करना है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्या देने चाहिए, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए और वो किसके हिसाब से बनने चाहिए, IAS के हिसाब से बनने चाहिए, क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो ये हमारे पास कुछ सेक्शंस है। फिर वो कहता है कि आपने क्वार्टरली एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने और किसको जमा कराने, कमिश्नर को जमा करवाने, SECP कमिश्नर को जमा कराने। इसके अलावा इन अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा, इन अकाउंट्स का ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा जो कि अप्रूव लिस्ट ऑफ ऑडिटर के पैनल में होना चाहिए, आप उन्हीं से ऑडिट करवा सकते हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट, जब बिजनेस करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है यार, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट को अपॉइंट करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इनको, ये कौन लोग होंगे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, लेट्स से इंटरनल और चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर कौन होना चाहिए, तो यहां पे
SECP ने आपको कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि मिनिमम एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट होना चाहिए, फॉरेन अकाउंटेंसी प्रोफेशन का मेंबर होना चाहिए, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिए हैं, सही है। इसी तरीके से इंटरनल ऑडिट के लिए भी, एग्जीक्यूटिव्स के लिए। फिर वो कहता है कि जी चलो बिजनेस कर रहे हो ना आप, तो ये पैसों की लेन देन हो रही है, पैसों की लेन देन हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशन से आपने क्या करना है, मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशन से आपने कंप्लाई करना है, प्लस आपने रेटिंग ऑप्टेन करनी है। आपने रेटिंग सिर्फ ऑप्टेन नहीं करनी बल्कि उसको पब्लिश भी करनी है। कौन सी रेटिंग कहलाती है? ये क्रेडिट रेटिंग कहलाती है। अक्सर अगर आपने NBFC का ऑडिट किया होगा तो उसके स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ आ रहा होता है कि जी कंपनी ने पैकरा से या JCR से रेटिंग ऑप्टेन करी और कंपनी की रेटिंग A1 या A- या A+ है। वो रेटिंग ऑप्टेन भी करनी है, पब्लिश भी करनी है, प्लस आपने कोड ऑफ कंडक्ट से कंप्लाई करना है, और इसके लिए आपने मेंबरशिप लेनी है किसी एसोसिएशन की। क्लास में हमने पढ़ा था म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान NBFC में AMCs और म्यूचुअल फंड्स को देखता है। उसका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि वो कहता है कि जितने भी NBFC जितने भी AMCs या म्यूचुअल फंड्स हैं उनको इन कोड ऑफ कंडक्ट से कंप्लाई करना है। आपने उनकी भी मेंबरशिप लेनी है और उनकी रिक्वायरमेंट से कोड ऑफ कंडक्ट से कंप्लाई करना है, और ये वही मेंबरशिप वही एसोसिएशन हो सकती है जिसको SECP ने अप्रूव किया हुआ होगा। हमारे पास जो कंडीशंस हैं ये वो कंडीशंस हैं कि अब आपका एक NBFC बन चुका है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। ये जो हमारे पास रूल 7 है बेसिकली दो चीज़ों में बाइफरकेट हुआ है। एक हमारे पास वर्ड यूज़ हो रहा है शेल का कि ये काम आपने करना है जिसका भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और ये एक वर्ड हमारा बड़ा ज़बरदस्त यूज़ हो रहा है जिसका नाम है शेल नॉट। ये NBFC नहीं कर सकती। क्या NBFC नहीं कर सकती? जो डायरेक्टर आप अपॉइंट करेंगे वो किसी और NBFC में सेम लाइसेंस बिजनेस में नहीं हो सकता। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप जो डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेंगे, याद रखिएगा वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पूरा हो और उसकी SECP से अप्रूवल भी होगी। डायरेक्टर्स के साथ, उनके ऑफिसर्स के साथ, उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ, उनके क्लोज रिलेटिव्स के साथ, या कोई ऐसा बंदा जिसकी 10% से ज़्यादा होल्डिंग है आपके NBFC में, उनके साथ आप कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते अनलेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक पॉलिसी बनाई हुई है और उस पॉलिसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया हुआ है। लेकिन अगर डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन होने जा रही है तो वो मेंबर जिसके साथ ट्रांजैक्शन होने जा रही है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप किसी भी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते अदर देन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी क्या होती है? ब्रोकरेज बिजनेस वगैरह हो गया। आपके बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उससे रिलेटेड आप सब्सिडी बना सकते हो अगर वो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। प्लस आप कोई भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने SECP की अप्रूवल लेनी होगी। SECP स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होती क्या है? मिनिमम उसका होल्डिंग पीरियड 5 साल होना चाहिए और एटलीस्ट 10% ऑफ द इक्विटी होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सब्सिडी बनाने से मना कर रहा है, लेकिन आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज आपकी होल्डिंग 10% है। 10% में नॉर्मली सब्सिडी बनती नहीं है। प्लस कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे SECP की अप्रूवल लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई भी सब्सिडी बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, मर्जर एक्विजिशन करते हैं, तो SECP की प्रायर अप्रूवल लेना आपके लिए लाजमी है। और सब्सिडी कौन सी बन रही है? फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, तो उसके लिए भी SECP की अप्रूवल लेना लाजमी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक NBFC हैं, आप अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में लाजमी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि जी अगर एग्रीगेट जो होगी ना, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, जितनी भी शेयर्स में मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ अनलिस्टेड कंपनीज़ के, अनलिस्टेड कंपनी जितने भी शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, जितनी कंपनीज अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ खरीद लूँ, मैं 20% ऑफ मेरी इक्विटी, इक्विटी की एक पूरी डेफिनेशन है, मैं 20% ऑफ इक्विटी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेरी इक्विटी में, मेरी किसी और कंपनी के अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और किसी एक कंपनी की, वन अनलिस्टेड कंपनी के लिए या तो 10% ऑफ इक्विटी, मेरी 10% ऑफ इक्विटी, या सामने वाले का इश्यूड पेड अप कैपिटल, विच एवर इज लोअर, मैं वहां तक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक कंपनी के अनलिस्टेड सिक्योरिटीज खरीदने जा रहा हूं, तो या तो मेरी 10% ऑफ इक्विटी या सामने वाले की इक्विटी नहीं, सामने वाले का पेड अप कैपिटल, उसका 10%, विच एवर इज लोअर, उसकी लिमिट में कर सकता हूं। यहां पे थोड़ा सा हमने जो एक पास पेपर किया था, यहां पे बड़ा मसला होता है कि सवाल में आता है कि एक अनलिस्टेड सिक्योरिटी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बच्चा नॉर्मली करता है क्या? बच्चा नॉर्मली इस कैलकुलेशन को सिर्फ देख रहा होता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट में परचेज करूंगा तो मैंने बकिया अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट करी है, क्या वो एग्रीगेट करके मेरी 20% ऑफ इक्विटी से ज़्यादा नहीं हो रही? ये हमारे पास था रूल 7। यहाँ पे आके प्यारे बच्चों हमारे पास NBFC रूल्स ख़त्म हो जाते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगली जो चीज़ आती है वो SECP के बनाए हुए रेगुलेशन आते हैं, SECP के बनाए हुए रेगुलेशन आते हैं, और ये रेगुलेशन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो दो हिस्सों में टूटा हुआ है।
पहला जो हिस्सा है वो बड़ा जनरल है. जनरल का मतलब कि ये किन किन के ऊपर अप्लाई होगा. एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट एसेट मैनेजमेंट सर्विस के ऊपर अप्लाई होगा, लीजिंग के ऊपर अप्लाई होगा, डिस्काउंटिंग सर्विस के ऊपर अप्लाई होगा, हाउसिंग फाइनेंस सर्विस के ऊपर अप्लाई होगा, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विस. इट मीन्स ये जो आपके पास लिखे हुए थे कंपनीज ऑर्डिनेंस 8 के 8 पे अप्लाई होता है. एनबीएफसी रेगुलेशंस कहता है कि इन 6 के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा. और वो 6 क्या होंगे, जितनी भी नीचे आपको रेगुलेशंस बताई गई हैं वो इनके ऊपर अप्लाई होंगी. क्या मतलब इसका, सबसे पहले वो कहता है कि इनमें से जितनी भी ये एनबीएफसी हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकती. इनफैक्ट इन्वॉल्व होना तो दूर की बात, आपने प्रिवेंट भी करना है. अगर सामने बंदा आपकी यूनिट्स खरीद रहा है, बंदा सामने आप किसी को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई हाउसिंग लोन है, आपने ये इंश्योर करना है कि जी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसफर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे एनबीएफसी बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है और वो बात ये कहता है कि जी ऐसी सीपी के और फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी लॉज एंड रेगुलेशन है उससे तो कंप्लाई करना ही करना है. इन एडिशन टू दैट जो मैं ये एनबीएफसी रेगुलेशन में आपको बता रहा हूं, ये जो एनबीएफसी रेगुलेशन में मैं आपको बता रहा हूं आपने इनसे भी कंप्लाई करना है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों. अगर पेपर में सवाल आता है तो आपने जो एससीसीपी का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या ऑर्डिनेंस है सिर्फ उसको सामने नहीं रखना होगा, बल्कि एनबीएफसी रेगुलेशन में जो कुछ बातें बताई गई हैं आपने उनको भी कंसिडर करना होगा. फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी बिजनेसेस आप कर रहे हैं सामने कोई ना कोई कस्टमर होगा, आपने कस्टमर की ट्रू आइडेंटिटी इंश्योर करनी है. जो हम नॉर्मली ऑडिट में केवाईसी चेक कहते हैं, नो योर कस्टमर, वो आपने इंश्योर करना है. आप उससे पैसा तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं जब उसका अकाउंट ओपन हो चुका है. देखें ये बैंक में भी होता है कि बैंक में कभी आपके अकाउंट ओपन किए बगैर आप पैसा ना डिपॉजिट करा सकते हैं ना पैसा ले सकते हैं. सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी. अगर एक यूनिट होल्डर आता है और कहता है कि जी मुझे आपके फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, जब तक उसका अकाउंट ओपन नहीं हो जाएगा आप पैसा उसका नहीं रख सकते. अकाउंट ओपन होने का मतलब क्या है, अकाउंट ओपन होने का मतलब है कि आपने उसकी ट्रू आइडेंटिटी इंश्योर करनी है, उससे एनआईसीज वगैरह लेने हैं, उससे सारी बैंक स्टेटमेंट्स लेनी है, एनटीआर एफटीआर सारी चीज़ें लेनी है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये प्रोसीजर्स बनाने हैं कि आपके इफेक्टिव प्रोसीजर्स हो, कि आप कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकें. चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे आपने कंप्लाई करना है. प्लस कैश की ट्रांजैक्शन 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. कैश में रिसिट्स भी आ रहा है, कैश में पेमेंट्स भी आ रहा है, दोनों चीज़ों में 50,000 रुपये से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए. इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर मैंने आपको लोन वगैरह दिया हुआ है और आप मुझे रीपे कैश में कर रहे हैं तो वो चीज़ अलाउड है, वो आप मुझे कैश में रीपे कर सकते हैं. अदरवाइज आप कैश ट्रांजैक्शन, आज अगर मैं कहूं कि मेरे पास लेट से 10-15 लाख रुपए पड़े हुए और मैं एक म्यूचुअल फंड के पास जाऊं और उसको मैं कैश जमा कर रहा हूं कि यार ये कैश पकड़े, ये मेरा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर रेगुलेशन मना करता है कि आप रिसिट्स एंड पेमेंट 50,000 रुपए से ऊपर नहीं कर सकते. चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोसीजर्स फॉर द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव. रूल्स में बताया गया था डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव कैसा होना चाहिए, यहाँ पे प्रोसीजर बताया हुआ है. और प्रोसीजर बड़ा आसान है. अगर आप इस रेगुलेशन को देखेंगे, जिस दिन आपके डायरेक्टर मीटिंग्स में अपॉइंट होने जा रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में अपॉइंट होने जा रहे हैं, उससे मीटिंग से 10 दिन पहले आपने एससीसीपी को कम्युनिकेट करना है. बिफोर 10 डेज डायरेक्टर केस में आपने कम्युनिकेट करना है कि भाई ये बंदे को मैं डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहा हूँ एजीएम में. क्यों? बिकॉज डायरेक्टर का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ज़रूरी है और एससीसीपी की अप्रूवल लेना लाजमी. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, जब एजीएम में डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे तो उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होगा. जब चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होगा तो जैसे ही मीटिंग्स के 10 दिन बाद आपने कम्युनिकेट करना है एससीसीपी को कि इस शख्स को मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने जा रहा हूं. तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जी हमें एससीसीपी की अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी. जहां हमने ये कर लिया उसके बाद आपका एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, डेटा बैंक से अपॉइंट होगा. इसका पूरा प्रोसेस कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है और यहां पर वो खुद कहता है कि कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है. ये जो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा, ये जो हमने सारा पढ़ा, ये इन सारी जनरल पार्ट है, ये इन सारे एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई होता है. अगला एरिया जो हमारे कोर्स का पार्ट है वो है लेंडिंग एनबीएफसी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जो पार्ट अप्लाई होगा प्यारे बच्चों किसके ऊपर अप्लाई होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इन लेंडिंग एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई होगा. ये फंड मैनेजमेंट एनबीएफसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा. क्या यहां तक बात समझ आ रही है? जनरल के अंदर लेंडिंग और फंड मैनेजमेंट दोनों कवर्ड हो रही है. लेंडिंग एनबीएफसी के लिए वो बड़ी जबरदस्त बात कहता है. वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कहता है, लिमिट ऑन द एग्रीगेट लाइबिलिटीज ऑफ एन एनबीएफसी. इसका मतलब क्या है कि वो आपको कहता है कि यार आपकी अगर आप लैंड कर रहे हैं ना आगे, अगर आप पैसा लैंड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बाकी लोगों से पैसा लिया होगा और उसी को आगे लैंड किया होगा. इसकी जो एग्रीगेट लाइबिलिटी है, इसकी जो एग्रीगेट लाइबिलिटी और एग्रीगेट लाइबिलिटी की डेफिनेशन में वो कहता है आप सिक्योरिटी डिपॉजिट को एक्सक्लूड कर दें, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर दें, दैट एग्रीगेट लाइबिलिटी शैल नॉट एक्सीड्स द 10 times of equity.
प्लस वो कहता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, इसकी भी उसने लिमिट डिफाइन की हुई है, जो क्रेडिट रेटिंग आपने थोड़ी देर पहले ऑप्टेन करी थी उस क्रेडिट रेटिंग की, जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी उतनी ज़्यादा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की उसने लिमिट्स बयान की हुई है, टू टाइम्स ऑफ इक्विटी, 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी, 0.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिजर्व फंड। देखिए लैंडिंग एनबीएफसी है ना, तो एक रिजर्व फंड भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ेगा? बिकॉज आपने आके पैसा लैंड कर दिया, कल को अगर पैसा आपको नहीं मिलता, एटलीस्ट आपके पास एक रिजर्व्स मेंटेन होना चाहिए। ये वही चीज़ है जो कि हमने बैंकिंग ऑर्डिनेंस में पढ़ा था, क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड। इसके लिए करना क्या होगा? डिपॉजिट टेकिंग लैंडिंग एनबीएफसी, ये अप्लाई किसके ऊपर होगा? ये डिपॉजिट टेकिंग लैंडिंग एनबीएफसी के ऊपर होगा, बिकॉज आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो डिपॉजिट टेकिंग, और ये बैंक का भी यही काम होता है। तो डिपॉजिट टेकिंग लैंडिंग एनबीएफसी के लिए 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टिल द टाइम आपका पेड अप कैपिटल, रिजर्व फंड आपके पेड अप कैपिटल के बराबर हो जाए, आपने 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेंटेन करना है, देयर आफ्टर सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने मेंटेन करना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल पेड अप कैपिटल, अगर आपका पेड अप कैपिटल लेट से 100 रुपए है, तो हर साल जब तक आपका रिजर्व फंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 20% आपने लिया, रिजर्व फंड में क्रेडिट करते रहे, जब तक रिजर्व फंड आपका 100 रुपए तक नहीं हो जाता, आपने 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जमा कराना है रिजर्व फंड के अंदर, और वंस ये आपके इक्विटी के पेड अप कैपिटल के बराबर हो जाए, उसके बाद आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 5% जमा कराना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है मैक्सिमम एक्सपोजर। ये मैक्सिमम एक्सपोजर क्या है? ये बेसिकली लैंडिंग की अमाउंट है, सही है? यहाँ पे बात कर रहा है लायबिलिटी की, यहाँ पे बात कर रहा है लायबिलिटी की, यहाँ पे बात कर रहा है एक्सपोजर की। मैं मैक्सिमम, और ये अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है? अप्लाई लैंडिंग एनबीएफसी के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब मैं कितना पैसा लैंड कर सकता हूँ किसी सिंगल पर्सन को और किसी सिंगल ग्रुप को, उसके लिए उसने एक रेगुलेशन पास की है कि अगर कोई सिंगल पर्सन होगा तो 20% ऑफ ओन इक्विटी। आपकी अगर इक्विटी 100 रुपए की है तो किसी सिंगल पर्सन को आप 20 रुपए से ज्यादा की लैंडिंग नहीं कर सकते। अगेन ये लैंडिंग एनबीएफसी के ऊपर है। और ग्रुप के ऊपर 25% ऑफ ओन इक्विटी, और ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ चुके, उसके अंदर होल्डिंग भी आ जाएगी, सब्सिडीज भी आ जाएंगी, एसोसिएट्स भी आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो 20% ऑफ इक्विटी है और ये जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर की डेफिनेशन में फंड बेस्ड प्लस नॉन फंड बेस्ड दोनों अप्लाई हो जाएंगे। फंड बेस्ड क्या होता है प्यारे बच्चों? फंड बेस्ड होता है वो जो एक्चुअल आपने लैंडिंग कर दी है, जिसमें कैश का आउटफ्लो हो चुका है। नॉन फंड बेस्ड जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, टेक्निकली आपने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया हुआ या लेटर ऑफ गारंटीज वगैरह दी हुई है, या कोई गारंटीज आपने इशू करी, कोई फाइनेंशियल या परफॉर्मेंस गारंटी इशू करी, कि आपने गारंटी इशू करी अब तक कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, इन दोनों को मिला के 20% या 25% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। चूंकि ये दोनों नंबर है तो 20% के केस में, सिंगल पर्सन केस में, आपके पास जो फंड बेस्ड होगा वो 15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 20% फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों के लिए लिमिट है, दोनों के लिए लिमिट है। लेकिन फंड बेस्ड आपका 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। साइमल्टेनियसली अगर ग्रुप की बात करूं तो फंड बेस्ड 20% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस तो देती ही बहुत छोटा छोटा लोन है, तो इनके लिए तो अगर ये 20% और 25% कर दें तो फिर तो ये इनके पास बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाएगी। तो माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए उसने कहा है कि जो पुअर पर्सन होगा उसको आप 1.5 मिलियन तक हाउस लोन दे सकते हैं और 0.5 मिलियन तक आप जनरल लोन दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पुअर पर्सन की डेफिनेशन क्या है? पुअर पर्सन की डेफिनेशन है वो बंदा जिसकी पूरे साल में आमदनी, प्रॉफिट नहीं, आमदनी अगर 6 लाख या उससे कम है तो वो पुअर पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइज है, बहुत से नए स्टार्टअप्स वगैरह बन रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर इस तरह की कोई चीज़ है और माइक्रो एंटरप्राइज मतलब एक स्टार्टअप है, अगर उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। और इस केस में हमारे पास जो उसको लिमिट है वो 1.5 मिलियन की लिमिट है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसके बाद अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो है जो कि हमने बैंकिंग ऑर्डिनेंस में पढ़ा था, और ये अगेन अप्लाई लैंडिंग एनबीएफसी के ऊपर हो रहा है। अगर आप आगे पैसा लैंड करते हैं, अगर मैंने 100 रुपए किसी को लोन दिया हुआ है, तो एक रिस्क है मेरे पास कि यार 100 रुपए में से मुझे शायद 90 रुपए मिल जाएंगे, 10 रुपए नहीं मिलेंगे। तो ये जो मेरे पास एसेट में रिस्क आ रहा है, ये जो एसेट में रिस्क आ रहा है, तो इस रिस्क को और कैपिटल, मेरा कैपिटल इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि इस रिस्क को एपिटाइज कर सके, एडिक्वेट हो। इसके लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होगा, जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस से बहुत डिटेल में पढ़ा है। और अगर आप लैंडिंग एनबीएफसी में भी, कौन सी एनबीएफसी है? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, तो आपका रेशियो 10% होना चाहिए। आपके सारे एसेट्स में जो रिस्क है उसको अगर मैं डिवाइड करूं कैपिटल से, जो मेरा पास कैपिटल आ रहा है वो 10% या उससे ज़्यादा एक्सीड करना चाहिए। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देखें, जब आप लैंडिंग एनबीएफसी होते हैं ना, आपने आगे पैसा लैंड किया हुआ है, आपने यहाँ से कुछ पैसा लिया हुआ है, इनको रीपे करना है, वहाँ से पैसा आना है, तो ये जो एसेट और लायबिलिटीज में कि मिसमैच ना हो जाए। मिसमैच का मतलब
पैसे मुझे 3 महीने बाद रिपे करने हैं और मैंने आगे जो लैंड किया हुआ है वो 6 महीने बाद आना है, तो इसका मतलब है मैं तो डिफॉल्ट कर जाऊंगा। तो इसके लिए उसने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक एस्टेब्लिश करेगा इंटरनल प्रोडेंशियल लिमिटेड फॉर द एसेट लाइबिलिटीज मिसमैच। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिस्टेड इक्विटीज। यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने अनलिस्टेड डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी देर पहले अनलिस्टेड डिस्कस किया था जो कि रूल्स में डिफाइंड था। लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए जो डिफाइंड है वो NBFC रेगुलेशन में है, और वो ये कहता है कि जी आपका एग्रीगेट अगर आप सारी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इट शैल नॉट एक्सीड द 50% ऑफ योर ओन इक्विटी, और किसी सिंगल कंपनी में करते हैं तो अगेन 10% आपकी इक्विटी या उसका पेड अप कैपिटल, विच एवर इज लोअर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं क्लीन प्लेसमेंट भी तो कर सकता हूँ। क्लीन प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? क्लीन प्लेसमेंट वो है जो कि मेरी बेसिकली अनसिक्योर्ड होती है। नॉर्मली बैंक में मैं पैसा जमा कराता हूँ, तो बैंक में मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे कोई सिक्योरिटी दें। तो इस तरह की अगर मैं क्लीन प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कर सकता हूँ जिसकी रेटिंग एटलीस्ट A- आनी चाहिए या इससे ऊपर की रेटिंग आनी चाहिए। इससे अगर डिग्रेडेड रेटिंग है तो मैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्लीन प्लेसमेंट विदाउट सिक्योरिटी नहीं कर सकता, बिकॉज उनके डिफॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है और आपने तो लैंडिंग NBFC है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें भी जो आपके पास एग्रीगेट एक्सपोजर होगा वो डिपॉजिट टेकिंग NBFC के लिए आपकी इक्विटी से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर आप डिपॉजिट टेकिंग NBFC हैं प्यारे बच्चों, तो एग्रीगेट एक्सपोजर जितना पैसा आपने क्लीन प्लेसमेंट किया है वो आपकी इक्विटी से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आई होप प्यारे बच्चों ये क्विक रिविजन, इसके ऊपर हमने 10-12 क्लासेस लिए हैं, पास्ट पेपर्स भी किए, एक एक इलस्ट्रेशन भी देखी है, लेकिन एक क्विक चीज़ आपको समझ आ जाएगी और एक कंप्लीट होलिस्टिक व्यू समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।